खबर भिंड से है, जहां पीड़ित युवक कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। पीड़ित ने कलेक्टर को बताया कि भतीजे की मिलीभगत से पटवारी और तहसीलदार ने मुझे कागजी दस्तावेज में मृत घोषित कर दिया। आवेदन में पीड़ित व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि लहार राजस्व के आला अधिकारियों ने रसूखदार लोगों के साथ मिलकर मेरी सारी संपत्ति हड़प कर मुझे शासकीय दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया और मेरी संपत्ति भतीजे के नाम करवा दी गई और अब संपत्ति को उसका भतीजा धीरे धीरे विक्रय कर रहा है। पीड़ित चंदन विश्वकर्मा बुआ के साथ न्याय पाने की आस में दर दर भटक रहा है। वहीं जब कलेक्टर से इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी गुजारिश करता है कागजन में तहसीलदार ने पटवारी ने कागज बनवाए वहाँ में लिखवाता है हमें हमारी गुजारिश हमारे भतीजे ने हमारी पूरी जमीन अपने नाम करवा लाई। मैंने SDM को और तहसीलदार लहार को जांच के लिए मैंने भेजा हूँ। उसमें प्रथम दृष्टिया पटवारी का गलती पाया जा रहा है तो जरूर हम कार्रवाई करेंगे।